एक्सेस शुगर इनटेक रिस्क फैक्टर है फॉर ओबेसिटी, डायबिटीज, हार्ट डिजीजेस, इवन लिवर। लेकिन यदि आप अपने डाइट से शुगर को पूरी तरह से स्टॉप कर देते हैं या उसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, सो आप बॉडी में बहुत सारे चेंजेस एक्सपीरियंस करेंगे, जैसे कि आपका बेली फैट रिड्यूस होता है, क्योंकि जब आप शुगर लेते हैं तो मिडिल सेक्शन में आपका फैट का डिपोजिशन बढ़ता है। सेकेंड, आपका स्किन बहुत अच्छा हो जाता है यदि आप शुगर लेवल्स कम लेते हैं तो, क्योंकि शुगर ज़्यादा लेते हैं तो इंसुलिन लेवल रेज करता है और उससे हार्मोन इम्बैलेंस होता है और उसके कारण आपकी स्किन में इन्फ्लेमेशन बढ़ती है और एक्ने और पिंपल्स जैसी प्रॉब्लम्स आती हैं। थर्ड चेंज होगा कि आप ओवर ईटिंग से बचेंगे, क्योंकि यदि आपका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल रहेगा तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी प्रॉपर वर्क करेगा और आपको क्रेविंग्स नहीं होंगे। फोर्थ ये रहेगा कि यदि शुगर लेवल आपके नॉर्मल है तो आप मोर एनर्जेटिक फील करेंगे, क्योंकि आपके ब्रेन को और आपकी बॉडी को रेगुलरली एनर्जी की सप्लाई होगी, तो इससे आपकी बॉडी फुली एनर्जेटिक होगी। शुगर इंटेक से इंस्टेंट हैप्पीनेस हो सकती है बिकॉज ऑफ सेरोटोनिन और डोपामिन, लेकिन यदि आप शुगर लेवल कम करते हैं तो आप मोर फोकस्ड रहेंगे, आपका ब्रेन एक्सेस काम कर पाएगा और उसके साथ ही साथ आपका स्लीप पैटर्न भी ठीक होगा, आपका मूड भी ठीक रहेगा। सो आप अपने डाइट के अंदर शुगर लेवल जितना हो सकता है वो रिड्यूस कीजिए।